चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यानी कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस जो कि हमारे बी फॉर्म 7 सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है। इससे पहले हमने एक लेक्चर लिया था, उसमें बताया था लेक्चर मैंने कि प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या था। तो आपको याद होगा उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल था मैंने बताया था दो स्टेप, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, दूसरा एमिशन स्पेक्ट्रम था। तो जो हमारा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल है वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो आज अभी हम बात करेंगे, हमारा नया टॉपिक जो है उसको हम दो नाम से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, एक इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके समझने के लिए। और या तो फिर ये एक आ सकता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बियर्स लैम्बर्ट लॉ एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बहुत से लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है। तो आज मैं आपके सामने जो ले आ रहा हूँ प्रेजेंटेशन लेक्चर, इसको ध्यान से देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं, इतना आसान टॉपिक है। तो या तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पूछेगा या बियर्स लैम्बर्ट लॉ पूछेगा, क्योंकि बियर्स लैम्बर्ट लॉ का जो नियम है उसी पे वही इसका क्या है प्रिंसिपल। तो बियर्स लैम्बर्ट लॉ कुछ इस तरह से, जैसे आप एग्जांपल तौर पे आप किसी दुकान पे जाइए, आप वहां से बाटी खरीदिए और बगल वाली दुकान से आप क्या खरीदिए, चोखा, और दोनों को खा लीजिए। तो जब आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, आप कहेंगे क्या खाया, भैया कहोगे बाटी चोखा है, भले आपने अलग अलग लिया लेकिन खाया आपने एक साथ ही। उसी तरह से बियर्स लैम्बर्ट लॉ में बियर्स लॉ अलग है और लैम्बर्ट लॉ अलग है, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दोनों के लॉ अलग हैं और दोनों के लॉ अलग हैं लेकिन मिला के एक साथ पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं बियर्स लैम्बर्ट लॉ। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, अब बियर्स लैम्बर्ट लॉ को समझने से पहले एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई कंटेनर है जिसमें हमने अपने क्या रखे हैं, हमारा सैंपल रखा हुआ है, याद है आपको, याद है ना, हमने बताया था कि हमारे पास कोई कंटेनर है इसमें हमारा सैंपल रखा हुआ है और इस सैंपल में कितना कंसेंट्रेशन है ये मालूम कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन, यही करते थे हम लोग, यानी एक साइड से हम लोग लाइट डालते थे। ठीक है, जब इस तरह से लाइट डालते थे तो ये लाइट ऐसे पास होती थी, तो ये वाला जो लाइट था दिस इज आई डॉट एंड दिस इज आई, या इसको आई टी बोल सकते हैं हम लोग, यानी ये हमारा जो है इंसिडेंट लाइट है, याद करिए लास्ट क्लास आपने अगर नहीं पढ़ा जाके तुरंत पढ़ लीजिएगा, और दिस इज द ट्रांसमिटेंस लाइट, यानी कि जब भी किसी सोल्यूशन से हम लाइट पास करेंगे तो यहां से जो लाइट जा रही है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट, और जो बाहर निकल रही है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस रे। तो इसको आई नॉट या इसको आई या इसको आई टी से भी डिनोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता है कि जितना ज्यादा इसके अंदर कंसेंट्रेशन होगा, यानी क्या होगा, जैसे ये इंसिडेंट लाइट यहां से गुजरेगी तो जो इंटेंसिटी इस लाइट की है, यानी हमने माना कि इसकी इंटेंसिटी ये है तो इसकी इंटेंसिटी उससे थोड़ी सी कम होगी, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती और बराबर भी नहीं होगी, यानी थोड़ी सी कम होगी। अब ये थोड़ी सी कम क्यों हो रही है, क्योंकि इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने इसको एब्जॉर्ब किया और जितना एब्जॉर्ब किया उतनी इंटेंसिटी कम हो गई, यानी हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्बेंस है वो क्या होता है, आई नॉट माइनस आई टी, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था। तो आज हम बात करेंगे बियर्स लॉ के प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल क्या है। देखिए बियर्स और लैम्बर्ट ने अलग अलग जो प्रिंसिपल दिया, मैं पहले दोनों को अलग अलग समझाता हूँ फिर मैं बात करूंगा अलग अलग कॉन्सेप्ट की। जैसे पहली मैं बात करता हूँ बियर्स लॉ, बियर्स लॉ एक साइंटिस्ट है बियर, इन्होंने क्या बताया इसको बहुत ध्यान से समझिए। बियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप एक बात मेरी बात ध्यान समझिए, जैसे मैंने कहा ये हमारे पास सैंपल है, सैंपल है, देखिए आपको पता है कि इसके इसके बीच के डिफरेंस क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंस, यानी जितना ज्यादा ये एब्जॉर्ब करेगा उतना ही यहां पे कमी आएगी। तो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेंस लाइट, यानी एब्जॉर्बेंस का डेफिनेशन क्या हो सकता है भाई, एब्जॉर्बेंस क्या है, जितना एब्जॉर्बेंस कितना है जितना यहाँ पे लाइट कम होगा, हम ये कह सकते हैं कि द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट या लाइट या ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। या हम ये भी कह सकते हैं, ये भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है अपनी कॉपी में, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड ट्रांसमिटेंस लाइट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस क्या है, आप आपकी ध्यान से समझिए, मान लीजिए हमने यहां से एक लाइट पास किया, ठीक है, एक लाइट पास किया, अब इसको ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि इस सैंपल के अंदर केवल प्योर वाटर है, प्योर वाटर है और एक भी मॉलिक्यूल नहीं, तो क्या अब इनके इनके बीच कुछ डिफरेंस आएगा, क्योंकि भाई हम जिस रास्ते से गुजरे थे, जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने आपसे कहा कि एक ट्रे में समोसा ले जाओ और ट्रे में समोसा ले जाओ कमरे में बांटते हुए आओ, तुम जिस कमरे में गए उस कमरे में एक भी बंदा नहीं था,
तो समोसा तुम्हारा पूरा पूरा वापस आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस क्या होगा, जीरो, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन अगर हमने माना कि यहाँ पे एक पार्टिकल आ गया, एक पार्टिकल आ गया, तो अब ये पार्टिकल कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा, यानी कमरे में अगर एक बंदा आ गया तो एक आध दो समोसा तो खाएगा, यानी ट्रे में कुछ समोसा कम होगा, यानी यहाँ पे एब्जॉर्बेंस कुछ ना कुछ आएगा और इसकी इंटेंसिटी जो लाइट थी कुछ न कुछ है। अच्छा यहीं पे अगर हम बात करें कि हमारे पास कुछ और पार्टिकल आ जाए तो अब क्या होगा, तो अब इंटेंसिटी और घटेगी, यानी उस ट्रे में समोसा और कम हो जाएगा क्योंकि कमरे में ज्यादा लोग पहुंच गए, तुम जो ट्रे में समोसा ले गए अब समोसा और कम वापस आएगा क्योंकि ज्यादा लोग बैठे हैं। तो जब ज्यादा पार्टिकल बैठे हैं तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, यानी इंटेंसिटी की जो लाइट डिक्रीज है वो और घटेगा, एब्जॉर्प्शन और बढ़ेगा। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि भैया और पार्टिकल बढ़ा दे, तो हमने कहा लो भैया हमने और पार्टिकल बढ़ा दिया, भयंकर बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन और बढ़ेगा, इंटेंसिटी और घटेगी, यानी उस ट्रे में जो समोसा लेकर आप जा रहे थे हो सकता है पूरा का पूरा ट्रक खाली आ जाए या बहुत कम बचेगा क्योंकि ज्यादा लोग बैठे थे। एक चीज तो क्लियर हो गई इस कॉन्सेप्ट से, बियर के नियम के हिसाब से जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन है, या हम कह सकते हैं जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, कंसंट्रेशन। इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतना ही घटेगा जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन के लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। तो बियर्स लॉ क्या कहता है, बियर्स लॉ ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ एनी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, या हम नेक्स्ट पॉइंट से कह सकते हैं अगले भाषा में कि अकॉर्डिंग टू बियर्स लॉ द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी मोनोक्रोमेटिक लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, यानी जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन सैंपल के अंदर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी उसकी घटेगी, यानी हमारे पास बियर्स का जो नियम आ गया वो आ गया नंबर वन, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ए इज एब्जॉर्प्शन एंड सी इज द, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ की, देखिए बाटिया हो गया, अब हम बात करेंगे चोखा की, यानी हम बात करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट भैया क्या बोले, बहुत ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे कि आप मई जून की गर्मी में जब दोपहर में छत बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो अब आप क्या करिए कि आप अगर आपसे मैं कहूं या मैं आपसे कहूं कि एक कहीं हमने पूरा रास्ते में एक हमारे पास मैंने कहा ये हमारे पास कोई रास्ता है, आपको यहां से यहां गुजरना है, ध्यान समझिएगा, और ये जो रास्ता है इसमें आग बिछी हुई है, क्या लगी है, कोयला जलता हुआ रखा है और आपको उस पर पैर रख के गुजरना है, तो जब आप पैर रख के गुजरेंगे तो आपका पैर थोड़ा सा डैमेज होगा, पैर में छाले पड़ेंगे। अगला टास्क मैंने आपको दिया, जैसे तो टास्क मिलता है ना रोडीज में या बिग बॉस में, बिग बॉस चाहते हैं कि अब आप यहां से यहां जाए, अब मान लीजिए हमने पास को थोड़ा सा लंबा कर दिया, यहां चांसेस थे कि बीच में एक पैर रखे और डाक गए, अब क्या यहाँ बीच में एक पैर के डाक पाओगे, 15-20 फुट का रास्ता है तो आप ज्यादा चलना पड़ेगा तो पैर ज्यादा खराब होगा, और इस केस में अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इस रास्ते से गुजरना है तो पैर और ज्यादा खराब होगा, क्योंकि जो पाथ लेंथ है, आई यूज द वर्ड पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ है रास्ते की चौड़ाई वो बढ़ गई है। उसी तरह से अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए कि जैसे मैंने कहा कि एक सैंपल है, एक कंटेनर ये है सैंपल का, एक कंटेनर ये है सैंपल का, एक कंटेनर ये, और तीनों में हमने माना कि जो कंसंट्रेशन है हमने पार्टिकल के भरे हुए हैं, ठीक है, पार्टिकल के कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ भरे हुए हैं। अब आप बताइए कि जब इंसिडेंट लाइट यहां से पास होगी, लाइट ऐसे पास होगी, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां पे आएगा, पहले ज्यादा बड़ा है, जो ज्यादा बड़ा है ज्यादा पैर कहां खराब हो रहा है, तो ज्यादा लंबा रास्ता है भाई, जब ये छोटा सा था लाइट गुजरा तो लाइट जिस जितने पाथ में गुजरा, यानी इस पाथ के दौरान उसको पार्टिकल तो कम ही मिले होंगे, इस पाथ में थोड़ा और ज्यादा पार्टिकल मिले होंगे और इस पाथ में थोड़ा सा और ज्यादा पार्टिकल मिले होंगे, यानी जितने ज्यादा वो रास्ता ट्रेवल करेगा, हमारी जो लाइट है जितना लंबा रास्ता तय करेगा उतने ज्यादा लोगों से मिलेगा, जितना कम रास्ता तय करेगा उतने कम लोगों से मिलेगा, तो जितने ज्यादा लोगों से मिलेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन आएगा, क्लियर, और जितना कम लोगों से मिलेगा उतना कम एब्जॉर्प्शन आएगा। तो इन्होंने कहा लैम्बर्ट ने कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, या इसको हम एल मान लेते हैं, एल मतलब होता है पाथ लेंथ, क्या होता है पाथ लेंथ,
यानी अकॉर्डिंग टू बियर्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी इसको क्या बोलते हैं, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, यानी फिर से बोल दूं तो अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स लॉ द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, जितना उसने रास्ता तय किया। अब ये पाथ लेंथ कितना ट्रेवल करेगा, जो कंटेनर हमने रखा उसका साइज क्या है, ठीक है। तो सेकंड आप कह सकते हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट। ये हो गया बियर्स लॉ और ये हो गया लैम्बर्ट, इसको अलग लिखिएगा, बियर अलग लैम्बर्ट अलग। अब क्या करना है, हमको दोनों को मिलाकर पढ़ना है, बियर्स लैम्बर्ट लॉ। तो दोनों को जब मिलाकर पढ़ना है तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को कंबाइन करते हैं, इक्वेशन वन कहता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इक्वेशन टू कहता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो इकट्ठा हो जाएगा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इनटू एल। बात वही हुई ना, अगर दोनों की मिला दिया जाए तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, सी इनटू एल, है ना। सीधी बात हो गया ना कि अब ये हो गया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एल। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि कृष्णा राधा से प्यार करता है, कृष्णा रुक्मणी से प्यार करता है, अपना वाला कृष्णा, तो दोनों मिलाएगा कृष्णा राधा से दोनों से प्यार करता है, ठीक है। तो ये सीएल हो गया। अब क्या हो गया भाई, ये कृष्णा कुमार मैंने नहीं कहा, मेरा स्टूडेंट कृष्णा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इसको हम हटा के कॉन्स्टेंट लगाए, इसको जब भी हटाते कॉन्स्टेंट आता है प्रोपोर्शनल का, एप्सिलॉन आ गया, एप्सिलॉन सी इनटू एल। तो अब यहाँ पे ए क्या है, एब्जॉर्प्शन है, सी क्या है, कंसंट्रेशन है, एल पाथ लेंथ, और एप्सिलॉन क्या है, This is the absorption coefficient. इसको ध्यान से समझिएगा, This is called absorption coefficient. इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ इरर कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, इसको coefficient के तौर पे लेते हैं, This is the absorption coefficient. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको पॉइंट पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। फाइनल ईयर का टॉपिक है, इसको बच्चा भी पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, उसको कोई क्लास 12 का बच्चा होगा वो भी ये वीडियो देखेगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि कुछ नहीं, तो हुआ नहीं है, फाइनल ईयर बहुत आसान है। तो ये था बियर्स लैम्बर्ट लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तो आपसे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।